हमारे जमीन पर इन लोगों ने कई बार ऐसी हरकतें कर चुकी है जो हम लोग कम संख्या में है और इसके बदले में हम लोग उससे टक्कर नहीं ले सकते हैं। 2010 में भी इन लोगों ने 144 का धारा लागू करवाया था और जो भी जजमेंट हुई थी तो हम ही लोगों के फेवर में ही था और प्रशासन बार बार 144 की जा रही है और इससे हम लोग भी परेशान हैं चूँकि हम लोग गरीब हैं और बार बार केस तो लड़ नहीं सकते हैं। गोड्डा जिला अंतर्गत पुड़ैया प्रखंड के नाजिर टोला काठौन गांव में आदिवासी कोड़ा समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। संताल परगना कानून 1855 एवं संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 20 का उल्लंघन मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। इसकी सूचना जिला प्रशासन को दिए जाने के बाद भी उचित कदम उठा नहीं रहे हैं। असलियत में यह जमीन किनका पड़ता है? असलियत में देखा जाए तो जमीन का पर्चा, रसीद, पट्टा यानी सरकारी जो भी कागजात है वे हमारे पूर्वजों के नाम में है। इस झंझट पर प्रशासन आज तक क्या पहल की है? उनको भी मालूम है कि इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है और अब भी हो रही है। प्रशासन तरफ से हमें कोई मदद यानी ठोस मदद नहीं मिल पा रही है। गरीब आदिवासियों के ऊपर रातों रात मदरसा में रखे 90,000 का सामान चोरी करने का आरोप लगाकर मुस्लिम समुदायों द्वारा कोर्ट में 19 लोगों के ऊपर PCR दर्ज कर दिया गया है। सनातन कोड़ा के अंदर जान जाने की भय बनी हुई है। दीपावली का रोज 7 बजे का लगभग जो ये घटना हुआ हमारे साथ। क्या घटना हुआ? यही मान लिया जबरदस्ती ने घेराव करने के लिए वो लोग हमारा अपना जमीन पर। उस दिन से हमको हटिया बाजार हर चीज जाने के लिए हमको ही करके रखा है और हम बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं कि हमारा बहुत बड़का धक्का पहुंच चुका है कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं अकेले। काहे के लिए वो लोग मारने के लिए, जान से मारने के लिए धावा डाल दिया। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा जमीन का अधिकार हमको मिल जाना चाहिए और हम इसी से किसी तरह गुजर बसर करेंगे और कमाएंगे खाएंगे। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दर्शकों से मैं अपील करती हूं कि आप सभी हमारी समुदाय की मदद के लिए हमारे गोड्डा जिला के पुलिस अधीक्षक का नाम संजीव कुमार है तथा उनका मोबाइल नंबर 9431134800 पर फोन कर हमारी समुदाय की सहयोग करें। मैं मेरी निशा हंसदा जिला गोड्डा झारखंड के संताल परगना से इंडिया अनहर्ड के लिए।